फिक्र मत कीजिए, मैं अकेले आई हूं, वो भी बिना किसी को बताए। रोशनी ने कहा उन्हें थोड़ी देर अकेले रहना है। मैं समझ सकती हूँ अमन, आज जो कुछ भी उसे पता चला है उसे सुनकर वो बहुत दुखी होगी। अभी काश मैं उसका दुख कम कर पाता। सोचा नहीं था कि जुनेद इस हद तक जा सकता है। मुझे रोशनी के लिए भी बुरा लग रहा है और शुभिना के लिए भी। क्या वाह, तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है? अपनी हमदर्दी अपने पास रखो, क्योंकि तुम्हारे पास सुनहरे सूरज की रात तक का ही सिर्फ वक्त है। अबू की वजह से रोशनी ने बहुत कुछ खोया। रोशनी ने जो खोया है उसको कभी लौटा तो नहीं सकते, लेकिन जो उसका है अब मैं वो किसी को छीनने नहीं दूंगा। रोशनी के साथ क्या क्या हुआ सब कुछ जानने के बाद भी उसने मुझसे बदला नहीं लिया, नफरत नहीं की, मुझे माफ कर दिया। मैंने गुस्से में कितनी बार उसे इस घर से बाहर निकाला। सबकी सच्चाई तो यह है कि यह घर हमारा नहीं, रोशनी का ही है। मैंने उस पर गुस्सा किया, नफरत की, बदले में उसने सिर्फ मोहब्बत की दादी। रोशनी से ज्यादा फरिश्ते के दिल का दर भला और कौन हो सकता है? मुझे लगता है फरिश्ते के दिल की असली हकदार आप है ताबीजी। आप सुनहरे सूरज की रात को ये फरिश्ते का दिल नहीं सकती। मैं आपको रोकूंगी नहीं। ताबीजी को रोकने के लिए मैं कुछ भी करूंगा दादी, लेकिन उन्हें रोशनी का दिल नहीं लेने दूंगा। ये फरिश्ते का दिल आपका है ताबीजी, मेरा नहीं। और इसे वापस करने के लिए अगर मुझे मरना भी पड़े तो मुझे मंजूर है, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। नहीं बेटा, मैं मर जाऊंगा लेकिन रोशनी को नहीं मरना। पर इस वक्त रुबीना तुम दोनों से ज्यादा ताकतवर है अमन, उसे रोक पाना आसान नहीं होगा। दादी आप ही ने तो सिखाया है कि मोहब्बत और यकीन से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, और फिर मेरे पास तो मेरी फैमिली भी है, तो हुए ना हम ताबीजी से ज्यादा ताकतवर है। तो सही कह रहा है डोंकी फ्रॉम समवेयर, तेरी असली ताकत तेरी मोहब्बत है, और मोहब्बत करने वालों को कोई नहीं हरा सकता, और तू तो जिन्नात का बादशाह है, तूने तो हारना सीखा ही नहीं। आप सही कह रही हैं दादी, मैं जिन भी हूं और जिन्नात का बादशाह भी हूं। तारों की बारिश की रात रोशनी ने मेरी हिफाजत की थी ताकि वो तलवार मैं हासिल कर सकूं, और अब मुझे वो तलवार हासिल करनी है ताकि मैं रोशनी की हिफाजत कर सकूं। लेकिन अमन तेरी तलवार तो फर्क नहीं पड़ता दादी, इस बार मैं एक नई तलवार बनाऊंगा जो मोहब्बत की तलवार होगी, ताकत की नहीं, जैसे कोई नहीं हरा पाएगा। तो तुम मेरा मुकाबला नहीं करोगी और खुशी खुशी मेरा दिल मुझे वापस कर दोगी, तो इसका मतलब तुम समझ गई हो कि फरिश्ते के दिल पे असली हक मेरा है। वैसे ये सुन के मुझे ज्यादा हैरानी नहीं हो रही, क्योंकि फरिश्ते का दिल ना कुछ गलत करता है और ना ही कुछ गलत होते देख सकता है।
शायद इसीलिए तुम उस गलत को सही करना चाह रही हो जो मेरे साथ हुआ। ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। वैसे एक बात कहूं, तुम्हें फरिश्ते के दिल को संभालना आता ही नहीं है, तुम्हें उसका इस्तेमाल ही करना नहीं आता, पर मुझे पता है उसका कैसे इस्तेमाल करना है। भले तुम और मैं दोनों अयाना हैं, पर तुम्हारे और मेरे बीच में जमीन और आसमान का फर्क है। हमारी सोच में फर्क जरूर हो सकता है, लेकिन एक चीज है जो हम दोनों में सेम है, खून। मेरी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो आपकी रगों में दौड़ रहा है। मैं आपके भाई मंसूर अहमद चौधरी की बेटी हूँ, आपकी भतीजी। सालों से मैं अपनी फैमिली को ढूंढ रही थी, किसी अपने को ढूंढ रही थी, और मेरी अपनी फूफी मेरे सामने थी और मैं पहचान भी नहीं पाई। तो तुम मेरा दिल इससे मुझे वापस करियो क्योंकि मैं तुम्हारी फूफी हूं, है ना? आप मेरी फूफी है मुझे आज पता चला, लेकिन मैं बचपन से आपको अपनी फैमिली मानती आई हूँ। आपको याद है जब छोटे होते मेरे साथ कोई बच्चा नहीं खेलता था तो आपने परा को मेरे साथ खेलने के लिए कहा, जब कोई मुझे नहीं समझता था, जब खान बाबा ने मेरा साथ छोड़ दिया तब भी आप मेरे साथ थी, तब आपने मेरा साथ दिया, मेरा हाथ थामा, मुझे समझा। आपको भी नहीं पता था कि मैं आपकी भतीजी हूं, फिर भी आप मेरे साथ खड़ी रही। इसलिए अब मेरा फर्ज बनता है कि जो आपका है मैं आपको लौटा दूं। पर बदले में मैं आपसे कुछ चाहती हूं। सौदा करना तुम्हारे ससुराल वालों की आदत है, और उनके साथ रहकर तुम भी उनके जैसी हो गई हो। ये सौदा नहीं है दाबी जी, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि फरिश्ते का दिल मिलने के बाद आप मेरी फैमिली को या खान बाबा को कुछ ना करें और उनका ख्याल रखें। मैं कैसे मानूं कि जो कुछ भी तुम कह रही हो वो सच है और इसमें तुम्हारी और तुम्हारे शोहर की कोई चाल नहीं है? मुझ पे ना सही, लेकिन कम से कम अपने भाई के खून पे तो यकीन कीजिए। बाबा नहीं जानते कि मैं आपके पास आई। अला नोस वेस्ट, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं मुझे बचाने की। उन्हें इस डील के बारे में पता चल भी गया तो भी वो कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे। इसलिए प्लीज आप वादा कीजिए कि आप किसी को इसके बारे में नहीं बताएंगी। ये सीक्रेट सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगा। ठीक है, ये बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। अब जो वक्त भी तुम्हारे पास बचा है उसे खुशी खुशी जी लो, पर सुनहरे सूरज की रात खुद ब खुद मेरे पास आ जाना। आप जहां बुलाएंगे मैं आ जाऊंगी। ठीक है, थैंक यू। रोशनी, मैं तुम पे यकीन तो कर लूं, लेकिन तुम्हारे शौहर पे यकीन नहीं कर सकती क्योंकि वो हार मानने वालों में से नहीं है। मैं वेजन से पूछती हूं कि सच क्या है। इनमें से किसी भी किताब में यह नहीं लिखा है कि नई तलवार कैसे बनाई जाएगी।
रेहान इंद्रजिन की कॉपी लेने तो गया है, लेकिन मैं उसका इंतजार नहीं कर सकता। ये तो रोशनी की चिड़िया है। तलवार मंसूर अहमद चौधरी, रोशनी के अबू की। तो ये है मेरे सवालों का जवाब। इल्मेजिन, मुझे बता कि सुनहरे सूरज की रात के बाद रोशनी की असली जगह कहां होगी। कब्र, वही जहां उसे होना चाहिए। बाजीगर खान बाबा, खान बाबा हाय। क्या बाजीगर के साथ आई विल डू इट वाले एक्सप्रेशंस के साथ कहाँ जा रहे? वॉक पे। वॉक पे? और आप? नहीं, एक्चुअली मैं नहीं जा रहा हूँ, बाजीगर जा रहा है। एक सेकंड, खान बाबा बाजीगर वॉक पे कैसे जा सकता है, वो तो उड़ता है। एग्जैक्टली ये चलता ही तो नहीं है, चलेगा तो थोड़ा पतला होगा, कितना मोटा हो गया है ये देखिए। बाजीगर और मोटा हो गया? नहीं, एक्चुअली रोशनी ये पहले बहुत पुरानी बात है, ये बहुत पतला हुआ करता था बाजीगर। जब बाजीगर और मैं रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे, अब आपके आने के बाद ये वॉक इसने बंद कर दी तो काफ़ी मोटा हो गया। हमें वापस मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करनी चाहिए, है ना बाजीगर? लगता है खाना बाजीगर ना आपके साथ वॉक पर नहीं जाना चाहता। एग्जैक्टली ये बहुत आलसी हो गया है, पतला होना ही नहीं चाहता। वैसे आपको क्या लगता है नॉर्मल लाइफ क्या होती है बाजीगर के साथ ऐसे वॉक पे जाना? हाँ जी नो खान बाबा, नॉर्मल लाइफ वो होती है जब हस्बैंड थक हार के काम से घर आए और बीवी उसके लिए खाना बनाए, तो मैंने डिसाइड किया कि आज मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी। नहीं क्यों? हाँ। मतलब क्या मतलब? रोशनी आप तो नान खटाई बनाएंगी और नान खटाई से मेरा पेट मतलब वो। जी नो खान बाबा, मैं खाना बना रही हूँ और आपको खाना पड़ेगा, बस तेज बोलिए। ओके ओके ओके, तो मैं खाना बनाऊंगी। बाजीगर गलत टाइम पे, ये नॉर्मल हस्बैंड्स अपनी बीवी से छुप छुपा के इतना कुछ करते हैं और मैं बाहर तक नहीं जा पा रहा हूँ। अरे बस कुछ बोला आपने? नहीं, आपके सामने मैं कहाँ कुछ बोल पाता। खुद क्योंकि मैं खाना बना के ला रही हूँ और आप कहीं नहीं जाएंगे। ओके ओके बाय। रोशनी किचन में, यही मौका है बाहर जाके काम खत्म करने का। क्यों नहीं है? क्या हुआ? आपको भी ये खाना खाना है? पर I'm sorry baby, आप अभी बहुत छोटे, आप ये खाना खा नहीं सकते। ये खाना तो आपके अब्बू के लिए, आपको भी खिलाऊंगी जब आप बड़े हो जाएंगे। ओके गेम खेलनी है आपको? जा अरे
अच्छा आप अपनी अम्मी को खाना बनाने दीजिए, नहीं तो आपके खान पापा है ना, उनको भूख लगेगी तो वो मुझे डांटेंगे। ओके ये कैसे हो सकता है? अरे के पंख, ये सब क्या हो रहा है? शाला कहीं ऐसा तो नहीं वो फाउंटेन मुझे अपने पास बुला रहा है, कहीं उसे मुझे कुछ बताना तो नहीं? अगर कोई तीन टूटते तारों को अपने हाथ में पकड़ सकता है और उनकी गर्मी सहन कर सकता है तो वो जिन्नात के बादशाह की तलवार बना सकता है। और तारों को बुलाने के लिए सूरज चांद सितारों अब तुम्हारा नाम लूँगा, आग भेजो आसमां से, आग को मैं थाम लूँगा। सूरज चांद सितारों अब तुम्हारा नाम लूँगा, आग भेजो आसमान से, उस आग को मैं थाम लूंगा। जिन्नात का बादशाह ये नहीं उठा पा रहा है, लेकिन मेरे अंदर का जिन ये जरूर उठा सकता है। इसका मतलब जिन्नात के बादशाह की तलवार बनाने के लिए मुझे अपने अंदर के जानवर को जगाना होगा, लेकिन कैसे? अंदर के जानवर को जगाने का मेरे पास यही एक तरीका है। सूरज चांद सितारों अब तुम्हारा नाम लूंगा, आग भेजो आसमान से, मैं उस आग को थाम लूंगा। अरमान बेबी आप यही रुकिए, अम्मी अभी आई। अमन अपनी नॉर्मल फॉर्म में टूटते हुए तारे को नहीं पकड़ पाया था,
इसीलिए अब वो अपने बीस्ट फॉर्म में आना चाहता है। बट अमन का बीस्ट फॉर्म में होना बाकी सबके लिए ही नहीं, खुद अमन के लिए भी बहुत डेंजरस है। उस बेस्ट ये में कहां गए? कहीं उस फाउंटेन ने मुझे अपने अंदर तो नहीं खींच लिया? अरमान, सिम आ रहा! अरमान, क्या कर रहा हूं? मेरा बेबी बाहर अकेला है और मैं, अरमान क्यों कैद किए मुझे यहां पे? कौन है? आप मुझे यहां लेके आई है? आप मुझे कुछ बताना चाहती है? फिक्र मत कीजिए अरमान, आपकी अम्मी जल्दी वापस आएंगी। ये दिखाने के लिए मुझे यहां लेके आई है? इसमें ऐसा क्या है? अम्मी मुझे यहां लेके आई है? इस पे तो ये ताला लगा है, कैसे खुलेगी? ये तो खुल ही नहीं रहा है। अम्मी अब यहां है क्या? अम्मी ये ट्रंक खुल ही नहीं रहा है, प्लीज मेरी मदद कीजिए, इसमें ऐसा क्या है? अम्मी में आ, ये तो नहीं है अमन, ये तो क्या कर रहा है?
कर लो दे भाई, भाई आप आपकी फैमिली हो। नवाब साहब, नवाब साहब होश में आइए। भाई भाई प्लीज गुस्सा कंट्रोल कीजिए भाई, भाई प्लीज दो अमन। नवाब साहब होश में आइए। या अल्लाह, में साथ साथ में दुश्मन हारे बात बात में, हाथ हाथ में साथ साथ में दुश्मन हारे बात बात में, हाथ हाथ में साथ साथ में दुश्मन हारे बात बात में, हाथ हाथ में साथ साथ दुश्मन हारे बात बात, हाथ हाथ में साथ साथ में दुश्मन हारे बात बात, हाथ हाथ में साथ साथ में दुश्मन हारे बात बात में, हाथ हाथ में साथ साथ में दुश्मन हारे बात बात, हाथ हाथ में साथ साथ में दुश्मन हारे बात बात, हाथ हाथ में साथ साथ में दुश्मन हारे बात बात, हाथ हाथ में। जिसका डर था वही हुआ। अपनी बीस्ट फॉर्म में आते ही अमन का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहा। अब सिर्फ रोशनी ही अमन को उसके नॉर्मल फॉर्म में ला सकती है, पर वो तो अम्मी कुछ तो बताइए, कोई तो हिंट दीजिए, खुलेगा कैसे, प्लीज मेरी मदद कीजिए अम्मी, प्लीज प्लीज कुछ तो बोलिए। कुछ और नहीं तो वो धुनी गुनगुना दीजिए, जब थोड़ी देर पहले गुनगुना रही थी। मैंने पहली बार सुनी, फिर भी ऐसा लगा जैसे जैसे मैंने पहले सुनी हुई है। अभी प्लीज कुछ तो बोलिए। इसका मतलब अम्मी की लोरी इस ट्रंक का पासकोड थी। प्लीज संभाल अपने आप को अल्लाह के वास्ते, शांत हो जा अमन, शांत हो जा अमन, रोशनी के बारे में सोच, हम सब के बारे में सोच, अरमान के बारे में सोच बेटा, ये तो नहीं है। ये क्या है अम्मी? नवाब साहब छोड़िए उसे, अमर हाथ जल जाएगा, छोड़ दे भाई, उसे छोड़ दीजिए प्लीज भाई, अमर इसे छोड़ दे बेटा, क्या कर रहा है अमर? दादी मुझे नहीं पता ये तू क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, लेकिन बेटा अगर तू ऐसा करेगा तो तू खुद ही जल जाएगा, छोड़ दे उसे अमन। अमन को अब सिर्फ रोशनी रोक सकती है, जल्दी आओ रोशनी, सबको तुम्हारी जरूरत है, प्लीज कम फास्ट। ये रिंग, इस पे तो वही सेम डिजाइन है जो मेरी बैंगल पे था, तो मैं नहीं संभाल पाई, लेकिन ये हमेशा संभाल के रखूंगी। थैंक यू अम्मी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
थैंक यू, लेकिन आमी अबू मुझे रिंग देना क्यों चाहते हैं? और इतनी सालों से रिंग यहां क्या कर रही थी? ये नहीं होना था रोशनी, मेरे पास यही एक मौका था। कैसा मौका? जिन्नात के बादशाह की तलवार बनाने का, सुनहरे सूरज की रात को आपको बचाने का यही एक मौका था रोशनी। मैंने आपसे कहा था ना कि आप कुछ नहीं करेंगे। तो कौन करेगा रोशनी? हम हाथ पे हाथ धरे सुनहरे सूरज की रात का वेट तो नहीं कर सकते। आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि ताबीजी क्या करने वाली है। पर खान बाबा, हमने डिसाइड किया था हम एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे। तो ये नॉर्मल लाइफ है? अपनी बीवी को बचाना नॉर्मल है? प्यार के लिए मौत से लड़ जाना नॉर्मल है रोशनी? मोहब्बत के लिए जमीन आसमान एक कर देना बिल्कुल नॉर्मल है? औरों का मुझे नहीं पता, लेकिन हम दोनों के लिए तो ये नॉर्मल है। आपके लिए जानवर बन जाना भी नॉर्मल है क्या? वो जानवर जिससे आपकी पूरी फैमिली पूरी जिंदगी से लड़ती आ रही है। और कोई ऑप्शन नहीं है रोशनी। अगर मुझे वो तलवार बनानी है तो मुझे टूटते तारे को हाथ में पकड़ना पड़ेगा, उसके लिए मुझे जानवर बनना पड़ेगा। पर खान बाबा, वो तलवार इतनी कीमती भी नहीं है कि उसके लिए आपको अपनी पूरी फैमिली को खतरे में डालना पड़े। अपने बेबी के सामने उस रूप में आना पड़े जिसको देख के वो बहुत डर जाए। आपने अपने अपने आपको रोशनी, ये सब तो ठीक हो जाएगा। आप इधर आइए, हमें साथ आइए। प्लीज रोहिए मत, कुछ नहीं होगा। ये आप जानती हैं, मैं एक जिन हूँ, खुद ब खुद हील हो जाता हूँ और मुझे दर्द भी नहीं हो रहा है। मैंने कहा ना, आप मेरे साथ चलिए। रोशनी, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। आप मुझसे झूठ बोलेंगे, मैं जानती हूँ आपको दर्द टूटते तारे अब कहन का आपकी वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि क्योंकि आपने अपनी फैमिली को हर्ट किया है। अलन हूँ स्पेस कान बाप, आपको मेरे लिए इस हद तक जाने की जरूरत नहीं है। एक जान की कीमत पूरी फैमिली नहीं होती है। अगर आपको अरमान को या किसी को भी कुछ भी हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाती ना। आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। प्रॉमिस कीजिए। आप जो ये सब कर रही हैं, नॉर्मल लाइफ है ना? अलन स्पेस खान बाबा, हमारा कल हमारे हाथ में नहीं होता और ना ही हमारे कंट्रोल में, लेकिन हमारा आज वो हमारे हाथ में होता।
मैं बस ये जिंदगी जीना चाहती हूँ, बिना किसी फिक्र के, बिना किसी डर के। आप हैं, मैं हूँ, अरमान है और ढेर सारा प्यार है। ये पल मेरे लिए पूरी जिंदगी से भी बड़े हैं। मुझे ये जिंदगी जी लेने दीजिए ना, प्लीज। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी।